हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का न्यू चैप्टर या न्यू टॉपिक सर्कल स्टार्ट करिए। क्या है सर्कल? सर्कल क्या होता है? सर्कल पहले हम आपने 9th में 10th में 4th में 5th थर्ड से शुरू हो जाता है सर्कल। थोड़ा सर्कल होता क्या है? सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव इन ए प्लेन दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज द सेम प्लेन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। विच फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट विच मूव फ्रॉम ए पाथ इज डिस्टेंस इज ऑलवेज इज इक्वल। इज ऑलवेज इज इक्वल क्या हो गया? सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट। सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव इन ए प्लेन दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये दैट इज फिक्स, ये फिक्स पॉइंट है। मान लीजिए एक्स वन वाई वन, ये कोई पी पॉइंट है। इससे जो ये लोकस ऑफ ये है, ये डिस्टेंस कितनी रहती है? सेम रहती है। दैट इज कॉल्ड टू द सर्कल। अच्छा, अभी हमने जो है सर्कल जो पढ़ा होगा वो एनालिटिक पढ़ा होता है, जैसे 10th में 9th में क्या पढ़ा था। और इसमें क्या है? इट इज द डिफरेंस इज ओनली इट इज टू द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना ही इसमें पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को ही सोल्व पढ़ना करेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था, देखिए दोहरा लेते हैं। जैसे एक सर्कल है, ये सर्कल में क्या था? ये सेंटर था, ये यहां से यहां तक क्या थी? रेडियस थी। ये क्या था? ये सर्कमफेरेंस था। ये फिर क्या था? ये कोण थी। ये क्या थी? कोण थी। ये सेंटर था। ये क्या था? ये सेगमेंट था। ये क्या है? ये मेजर सेगमेंट था। ये माइनर सेगमेंट था। ये क्या था? ये सेक्टर था, ये माइनर सेक्टर था। ये क्या था? मेजर सेक्टर। और ये जो है हाफ सर्कल था, ये सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल था। और ये अगर मान ली, ये क्या थी? ये थी रेडियस। ये क्या थी? रेडियस थी यहां तक की। और यहां से यहां तक की फिर क्या हो गई थी? ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। जो फिक्स पॉइंट है दोनों से, रेडियस प्लस रेडियस 2 रेडियस, ये कहता है डायमीटर। ये क्या कहलाता है? डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस आ गई। डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। और एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। और एरिया ऑफ द सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180। इस तरह की कोई जरूरत नहीं है, तो वैसे ही बता दें मैंने, इसको रिकॉल करा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं? अब हमें एनालिटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना है। इस तरह आगे बढ़ते हैं। जैसे ये तो हमने 10th में 9th में 8th में पढ़ चुके हैं। अब देखो, अब क्या है? ये एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है, इस पर कोई पी पॉइंट मूव कर रहा है। एक्स वाई वाई एक्स वाई है, कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई है। तो इसकी इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी? एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वाई माइनस वाई का स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या आ जाएगी? एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वाई माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, अच्छा देखो, ये फिर मैंने बता दिया, ये बता दिया ये सर्कल है।
इस पॉइंट से ये कोई एक लाइन खींची जा रही है, दैट इज कॉल्ड टू द टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड टू द टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड टू द टेंजेंट इफ ए सर्किल बाहर की पॉइंट फैल के टच होते जा रही और टू द सेंटर इफ ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इट इज टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इफ इट इज टू द ए बी इफ द टेंजेंट एंड ओ बी विल बी टू द परपेंडिकुलर ओ एम ओ एम विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी, यही पढ़ा था हमने। यानी अगर कोई जो है एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट से इस सेंटर से कुछ परपेंडिकुलर जाए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये कहते हैं हमेशा परपेंडिकुलर था है, तो ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, दैट इज ये दैट इज ये आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मान लिया ये सेंटर एच की है तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखो एक इक्वेशन है, एक क्वेश्चन नंबर हो, जैसे पॉइंट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, पॉइंट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, पॉइंट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ईच हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, ईच हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल ईच हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर टचिंग द लाइन 3x + 4y - टचिंग द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल ईच हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर टचिंग द लाइन 3x + y - 11 3x + 4y - 11 = 0 at the point 1, 2 माने दो सर्किल हैं, ये एक लाइन है इसको ये टच कर रही है, फिर एक ये सर्कल है, फिर ये सर्कल है, इनकी रेडियस है ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये क्या है 3x + 4y - 11 = 0 और ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जैसे ये कर रही है 1 × 1 × 2 अच्छा इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन है ये 3x + 4y - 11 × 2 लिखेंगे, स्लोप ऑफ द इक्वेशन, स्लोप ऑफ द
नहीं अगर मान लिया इसको मैंने सेंटर को सी मान दिया, मतलब पी मान लिया, फ्लॉप निकाल दी, पी फ्लॉप ऑफ द दा... फ्लॉप ऑफ, फ्लॉप कितना का आ गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, मैं इसे फ्लॉप इसका आ गया, और फ्लॉप इसका सीपी का क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर हो गई, विद फ्लॉप ऑफ पीपी है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर, अगर मान ले एक का एंगल है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, माइनस के वन पॉइंट एन, एम वन है तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, माइनस वन अपॉन जीरो, तो माइनस थ्री वन फोर है तो जाएगा फोर अपॉन ही जाएगा, और ये थ्री पी क्या आ गया, ये आ गया टेन थीटा, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बिना आ गए, सेंटर कोऑर्डिनेट, सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए प्लस माइनस आर कोस थीटा, क्या आएगा, ए प्लस माइनस आर कोस थीटा, बी प्लस माइनस आर साइन थीटा, ए की वैल्यू कितनी है पॉइंट पर, ये है वन है, वन प्लस माइनस आर फाइव कोस थीटा, फाइव कोस थीटा, वन टू प्लस माइनस फाइव साइन सिक्स, अब ये वैल्यू दे रखी है टेन थीटा इक्वल टू कितनी दे रखी है, फोर बाई थ्री है, टेन थीटा इक्वल टू ये है फोर बाई थ्री, फोर है ये थ्री है, तो कितने आएगा फाइव आएगा, ये थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू हमारे क्या जाएगा, फोर अपॉन फाइव कॉस थीटा इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव, इसकी वैल्यू रख देंगे क्या आएगा, वन अपॉन वन प्लस माइनस फाइव कॉस थीटा की वैल्यू फोर अपॉन फाइव थ्री अपॉन फाइव टू प्लस माइनस फाइव इंटू साइन थीटा की वैल्यू वन प्लस माइनस थ्री, वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर, तो इसकी अगर मैं प्लस प्लस ले लूं एक पॉइंट क्या जाएंगे इसके, ये पॉइंट आ गए इसके वन प्लस माइनस थ्री टू प्लस माइनस फोर, अगर प्लस कर लूंगा एक पॉइंट फोर और सिक्स, एक पॉइंट क्या जाएंगे इसके वन माइनस टू और माइनस फोर, एक पॉइंट आ जाएंगे फोर और सिक्स, एक क्या जाएंगे माइनस टू माइनस थ्री, अब अगर इससे ले फोर 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 एंड सिक्स, इक्वेशन क्या हुई, एक्स माइनस फोर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का स्क्वायर इक्वल टू फाइव का स्क्वायर, फोर माइनस टू टू नीचे आगे एक्स माइनस टू माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू फाइव, ये सी वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी एक्स माइनस फोर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव स्क्वायर है, ये सी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और क्या है
इक्वेशन ऑफ ए फैक्टरियल टेस्टिंग वन ओवर फोर द फॉलोइंग इंडक्टर इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ द सर्कल टचिंग वन और बहुत अच्छा इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग वन और बहुत अच्छा देखो ये कोई एक कोई मान ले सर्किल एक यहाँ टच कर रहा है एक यहाँ टच कर रहा है वाई सब ये एक्स है ये और ये एक यहाँ दोनों को टच कर रहा है अब अगर यहां ये टेस्ट कर रहा है इसके भी कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा तो ये हो जाएगा बीटा यहां अगर ये टेस्ट कर रहा है ये हो जाएगा अल्फा ये क्या हो जाएगा ये अल्फा इसके भी मान लिया अल्फा बीटा यहां अगर ये टेस्ट कर रहा है ये भी ए होगी यहां से यहां तक कि ये भी ए एल्फा एल्फा जाइए ठीक है मान लिया इस सर्कल का नाम मान लिया एम वन है इस सर्कल का नाम एम टू है इस सर्कल का नाम एम थ्री इस सर्कल का नाम एम जो सर्किल एम वन है टच टू द एक्स एक्सिस सर्किल एम टू टच टू द वाई एक्सिस सर्किल एम थ्री टच टू द बोथ एक्सिस बोथ एक्सिस अच्छा इसका सेंटर क्या है फोर एम वन फोर एम फोर फोर एम वन कर दो सेंटर कितना है इसका सेंटर को अल्फा बीटा है रेडियस कितनी है बीटा है इक्वेशन क्या आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू बी के पास फोर सिमिलरली फोर सिमिलरली Similarly, 4m2, it's set to the y-axis, the radius is alpha, and center is alpha minus beta. So, that is we have x minus alpha square plus we bring it 4 एम थ्री सर्कल फोर एम थ्री सर्कल इज टच टू द बोथ एक्सेस रेडियस इज ए क्या आएगा एक्स माइनस ए वाई माइनस ए सेंटर क्या है इसका ए ए ये अल्फा अल्फा है सेंटर क्या है इसका मान लिया अल्फा अल्फा है और की रेडियस ही क्या आएगी क्या आएगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस अल्फा का स्क्वायर ये दिखाएगी इस तरह की हम जो है कोई भी इक्वेशन जो है हम जो है निकाल देंगे अब आगे
फाइंड 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 इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच टच बोथ सर्कल विच टच फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच टच बोथ एक्सेस एंड द स्ट्रेट लाइन फोर एक्स प्लस सिक्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच टच बोथ एक्सेस फाइंड फाइंड द स्ट्रेट लाइन बोथ द एक्सेस एंड द स्ट्रेट लाइन फोर एक्स प्लस थ्री वाई सी है. अभी बताया था मैंने अगर बोथ अक्षर को टच करता है, अगर क्या करता है बोथ अक्षर को टच करता है, ये बताया था मैंने, ये सर्किल है, ये इस तरह का बता दे, ये भी रेडियस ए है, ये भी रेडियस ए है, ये ए कॉमा ए है, तो क्या आएगा इक्वेशन इज मतलब इट टच इट टच बोथ एक्सल हैंस एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. और ये जो है ये लाइन जो है मान ली ये लाइन है इसे टच कर रही है ये लाइन, ये बिल्कुल हो गया. ये लाइन क्या है वो लाइन है इक्वेशन है यहाँ से थ्री वाई इक्वल टू सिक्स. जब इससे ये जो है उससे डिस्टेंस निकाल लू मैं जो इसका परपेंडिकुलर भी होगा तो इसका क्या होगा ये परपेंडिकुलर भी होगा. और ये डिस्टेंस ऑफ द इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगी कहीं इक्वल होगा रेडियस के इक्वल होगा कहीं इक्वल होगा ये परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू दैट इज रेडियस दैट इज रेडियस हेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कॉल्ड रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्या आ जाएगी इस लाइन पे इसी लाइन पे इस लाइन में फोर एक्स थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो क्या आ जाएगी फ्रॉम ए ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड फ्रॉम ए तो क्या आ जाएगा फोर ए प्लस थ्री ए माइनस सिक्स क्या आ गया फोर ए फोर ए प्लस थ्री ए माइनस सिक्स अपॉन फोर ए का स्क्वायर प्लस थ्री ए का स्क्वायर अपॉन रेडियस. रेडियस कितनी आती है भैया इसकी ए का स्क्वायर रेडियस की आती है रेडियस कितनी आ गई थी ए ठीक है फोर ए प्लस थ्री ए क्या आ गया सेवन ए माइनस सिक्स अपॉन फोर ए का टू स्क्वायर क्या आ गया ट्वेंटी फाइव इक्वल टू ए एक्स सेवन ए ठीक आ गया सेवन ए माइनस सिक्स इक्वल टू प्लस माइनस फाइव ए सेवन ए माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस फाइव ए. अच्छा अब प्लस इफ पॉजिटिव साइन ले रखा सेवन ए इक्वल टू माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस फाइव इफ तो क्या आएगा सेवन ए माइनस फाइव ए इक्वल टू सिक्स इट इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू टू ए इक्वल टू टू ए इक्वल टू सिक्स ए इक्वल टू थ्री इफ सेवन ए माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस फाइव ए ट्वेल्व ए इक्वल टू सिक्स
ए इक्वल टू हाफ, ए इक्वल टू क्या हो गई है, हाफ एनर्जी। अगर ये वैल्यू हो, एक वैल्यू 3 हो, तो दैट इज फोर, ए इक्वल टू 3 इक्वेशन है। और ये इसलिए क्या रखता हूँ, इसलिए नहीं नहीं तो ये इसलिए एक फोर एक में ज्यादा करेंगे, ये इसका आंसर नहीं। देखो ये कोई इक्वेशन थी, एक टच द बॉल कोई सर्कल था, एक टच द बॉल था, एक लाइन करके जाएगी टच करके स्ट्रेट लाइन, फिर जो फेस पे जो है एक लाइन ड्रॉ कर जाएगी, वो क्या होगा उसका परपेंडिकुलर भी होगा, उसकी डिस्टेंस भी निकालेगी, उसका क्या है कि रेडियस बढ़ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली, इसके रेडियस इक्वल लग गया, इन्हें सॉल्व कर दिया, ए की वैल्यू आ गई, तो क्या आ गया, ए सेंटर आ गए, एक्स माइनस 3 वाई माइनस 3 ए स्क्वायर, ये क्या आ गया एक्स माइनस ए बाई 2 प्लस वाई माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम इसका आसानी से निकाल सकते हैं। अब है जैसे नया कुछ चेंज हो, जैसे क्या है जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, फॉर्म ऑफ आर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ आर सर्किट्स, ऑफ आर क्या जनरल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होती है, जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 FY प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो क्या कर सकता हूँ मैं, सेंटर और रेडियस फॉर्म में सबको लिखना चाहता हूँ। दूसरा मैंने भी सेंटर और रेडियस फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, ये लिखी थी मैंने भी, ये बन चाह रहा है वी वांट टू दिस इक्वेशन, दिस जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किट वांट टू इन द फॉर्म ऑफ सेंटर एंड रेडियस, एंड वी फॉर दिस वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स, इट मीन्स इट विल बी एक्स प्लस जी का स्क्वायर, इफ वी शुड बे जी स्क्वायर, तो सी इन दिस वे वी है एक्स स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस जी का स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर, इन सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस 2 FY प्लस एफ का स्क्वायर माइनस एफ का स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जी। इट मीन्स क्या गई एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, इट मीन्स वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू एक इज माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू जी। इट मीन्स वी हैव एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर
इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू सी माइनस इन दिस फॉर्म वी हैव राइट एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस सी का ये सेंटर इज एच एंड के एच एंड के दैट इज द सेंटर इज माइनस जी एंड एफ सेंटर इज माइनस जी माइनस एच एंड रेडियस इज ई स्क्वायर इट इज ही मीन्स ये माइनस माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स मीन इफ इज जो ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन दी थी कहना माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन टू कोमा कोफिशियंट ऑफ वाई अपॉन टू कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन टू जी माइनस जी कोफिशियंट ऑफ वाई अपॉन टू माइनस एफ अपॉन टू एंड द सेंटर इज माइनस जी अपॉन एफ जनरल जनरल यू फाउंड माइनस कोफिशियंट एक्स अपॉन टू माइनस कोफिशियंट ऑफ एफ अपॉन टू दैट इज टू द सेंटर दैट इज टू द सेंटर एंड रेडियस इज रेडियस इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी एंड रेडियस इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो देन द रियल सर्किल इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो देन द रियल सर्किल If g square minus g square is equal to c, g square plus f square minus c is equal to 0, then radius is 0. Radius is 0. If g square plus f square minus c is equal to 0, if no real circle. If g square plus f square minus v square is no real circle. तो बस ये आ गया देखो ये कोई इक्वेशन है सर ये कोई इक्वेशन है जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी स्क्वायर इसका सेंटर क्या आ जाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन टू माइनस कोफिशियंट वाई अपॉन टू और इसकी जो है रेडियस आ जाएगी जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी और अगर कहीं इसकी रेडियस अगर इसकी जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो रियल तो क्या जाएगा रियल सर्कल क्या जाएगा रियल सर्कल इफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो तो रेडियस क्या जाएगी इसकी जीरो आ जाती है क्या इसकी रेडियस क्या जाती है जीरो आ जाती है जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो तो नो रियल सर्कल क्या आती है नो रियल सर्कल की वैल्यू आ जाती है आगे बढ़ते हैं या है देखो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है जनरल सेकंड
सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है, ये होती है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू ए द इक्वेशन, द इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल, रिप्रेजेंट सर्कल इफ ए इक्वल टू बी एंड एच इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन है सर्कल की, ये इक्वेशन है जनरल इक्वेशन है इसकी, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी टू जी एक्स प्लस टू एस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। पुट करेंगे ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एच इक्वल टू जीरो क्या आएगा, टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। इसको ए से डिवाइड कर देंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी अपॉन ए एक्स प्लस टू एफ अपॉन ए वाई प्लस थ्री अपॉन ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दीज ऑल्सो कॉन्स्टेंट इज आर टू दिन दैट इज मीन इट इज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू जी एक्स प्लस टू एम एक्स ए प्लस एल ये टू जी एक्स प्लस टू एफ आई दैट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। और साथ में एक ही होनी चाहिए, एक तो ये होनी चाहिए कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन पे इक्वेशन उधर रिप्रेजेंट ऑफ सर्कल भी है, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर क्या आ गया, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस जी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो या डी एंटा इक्वल। ए बी सी प्लस एफ जी एच माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो दैट इट मीन्स इट इज टू द हेयर फॉर द सर्कल ये और फॉर हैविंग रेडियस इज जीरो, फोर हैंग रेडियस इज जीरो क्या जगह ये डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू बी एंड एच इक्वल टू बी एच क्या जगह डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू बी एच इक्वल टू बी एच फोर हैविंग रेडियस बी एच ये आ गया। तो सर्किल के लिए क्या आ जाएगा डेल्टा ये हो गया ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, और साथ में क्या आना चाहिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू जीरो। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट इज मूविंग इन सच ए वे, अ पॉइंट इज मूविंग, ए पॉइंट इज मूविंग इन सच ए वे, इन सच अ वे दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ पेंडिकुलर दैट द sum of
A point is moving in such a way that it does sum of the perpendicular drawn from it to the side. Drawn from it to the sides. Drawn it from to the side of the equilateral triangle. To the side of the equilateral triangle is constant find its locus find its locus find its locus इसका लोकस क्या निकालना है, क्या निकालना है? ये सर्किल होगा, पॉइंट लोकल सर्कल होगा, पैराबोला होगा. ए पॉइंट ठीक है, ए पॉइंट इज मूविंग इन सच ए वे दैट द सम ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम टू द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज द कांस्टेंट इज द कांस्टेंट इज द कांस्टेंट देन प्रूव दैट पॉइंट इट इज लोकस. इसका लोकस बोला या क्या गया पॉइंट सर्किल ही पढ़ा रहे हैं तो इसका क्या गया प्रूव दैट दैट इट लोकस विद बी ए सर्कल. प्रूव दैट या कहता पॉइंट इट इज टू द सर्कल. जैसे या एक यो ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये कोई जब माइनस ए कोमा जीरो ये ओरिजिन है ये क्या आएगा ए कोमा जीरो ये क्या आएगा ए कोमा जीरो कोमा क्या आएगा ए कोमा जीरो और इसकी ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी डिस्टेंस आ जाएगी अगर हमें निकालनी हो इसकी कितनी डिस्टेंस आ जाएगी क्योंकि वाई एक्सेस है वाई एक्सेस जीरो आ जाएगी आ जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये टेन सिक्सटी आ जाएगी क्या आ जाएगी टेन सिक्सटी इक्वेशन मान ले ए है ये बी है ये सी है इन समझो कि एल है ये क्या है एल ए एल कितनी आ जाएगी यहाँ से टेन सिक्सटी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी ए एल अपॉन एल सी टेन सिक्सटी इक्वल टू क्या आएगी ओ मान लो इसका ओरिजिन है तो क्या मान लेंगे टेन सिक्सटी इक्वल टू इन ट्राइंगल ए ओ सी इन ट्राइंगल ए ओ सी टेन सिक्सटी इक्वल टू क्या जाता है ये ओ ए अपॉन ओ सी ओ ए अपॉन ओ सी टेन सिक्सटी वैल्यू रूट थ्री रुपये होती ओ ए अपॉन ओ सी की वैल्यू माइनस ए डिस्टेंस है तो इसलिए माइनस को क्या कर देंगे इसमें नेगलेक्ट भी कर देंगे छोड़ देंगे यदि ये ए डिस्टेंस ए ही है ना ये माइनस ओ ए इक्वल टू सिंपल एज दैट ओ ए इक्वल टू ए रूट थ्री ओ ए की वैल्यू क्या आ गई ए रूट थ्री आ गई मुझे इसकी इक्वल टू हो जाएगी ए रूट अब कोई यू मान ले है कोई पी पॉइंट है यहाँ ये क्या मान ले है पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट एच के है पी परपेंडिकुलर डाला जाए ये लेट पी इज द पॉइंट लेट अच्छा ये पी पॉइंट है तो कोई किसी परपेंडिकुलर डाला जाए अब मैं क्या करता हूँ इक्वेशन ऑफ
AC and equation of BC. Yeah, equation of AC and equation of BC. Equation of A. Yeah, y equal to kya aayega? Y equal to mx plus c. Y equal to mx plus c. C kya hai? A root 3 ka term hai. To kya aayega? Ye y equal to kya aayega? Ye kya aayegi? X root 3 plus y minus a root 3 equal to 1. Aur isi tarah equation of ZC. Equation of VC क्या जाएगी? Equation of VC क्या जाएगी? Yeah, right. Okay, why? Yeah, okay, this is the equation. Yeah, why is the equation? Yeah, okay. This is the equation. Or, fourth, we can say this is he in the according to the way, the sum of the perpendicular drawn from the this side of the equilateral triangle is the constant. In the case of जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जा मैंने यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया वो इसका क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट होता है क्या होता है वो कांस्टेंट मान लिया पी से इस पे जो ये परपेंडिकुलर ये ड्रॉन किया जा ये मान लिया पी एम अरे एन पे यहां एन से यो करा एन यानी पी एम का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर पी एम का स्क्वायर प्लस के पी एन का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा Pm का स्क्वायर प्लस Pn का स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा ये P इक्वेशन ऑफ AB यानी Pm का स्क्वायर यानी इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाओ क्या है कांस्टेंट है क्या अकॉर्डिंग टू इक्वेशन Pm का स्क्वायर प्लस Pn का स्क्वायर सीधी बढ़ती कॉन्स्टेंट पी एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर सीधी बढ़ती कॉन्स्टेंट अब ये क्या आ जाएगा इसका अब किस पॉइंट से आई हो एच के पॉइंट से के अलावा तो चलेगा ये रूट थ्री एच क्या आ जाएगा रूट थ्री एच प्लस के माइनस ए रूट थ्री अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर ये क्या आ जाएगा ये रूट थ्री के माइनस एच क्या आएगा रूट थ्री ये क्या आएगा रूट थ्री एच वो तो हो जाएगी रूट थ्री एच माइनस के माइनस ए रूट थ्री अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर प्लस के वन का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या आइडिया है इसका रूट थ्री का स्क्वायर क्या आएगा थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस वन का स्क्वायर वन थ्री प्लस वन फोर फोर का स्क्वायर रूट टू क्या गया टू आ गया क्या आ गया ये टू आ गया इसको क्या आ जाएगा ये रूट थ्री एच प्लस के माइनस ए रूट थ्री का होल स्क्वायर होल टू ये क्या आएगा रूट थ्री एच
माइनस ए प्लस ए रूट थ्री का होल स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इक्वल टू क्या आ गया कॉन्स्टेंट। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू बी सी प्लस टू सी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का इसको खोल लेंगे, इनको खोल लेंगे, इसको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, बताओ क्या जाता है, खोल लो उसको। क्या जाएगा ये आ जाएगा सिक्स ए रूट थ्री का थ्री एच क्या क्या आ जाएगा सिक्स एच का स्क्वायर, क्या जाएगा सिक्स एच का स्क्वायर प्लस सिक्स के का स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री ए के, फोर रूट थ्री ए के माइनस सिक्स के, क्या जाएगा फोर रूट थ्री ए के, फोर रूट थ्री ए के माइनस सिक्स ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर सिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू मान लिया कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मानते हैं जानना सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स फोर थ्री ए, लोगों से निकालना है तो क्या आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वाई का स्क्वायर माइनस फोर थ्री रूट ए वाई माइनस सिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, दैट इज इक्वेशन ऑफ द ऑफ स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डाउन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डाउन का इक्वल ये है, लेकिन इसका सम यानी पी एम का स्क्वायर पी एन का स्क्वायर, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया साइड माइनस ए है, ये ए भी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट लेंथ क्या ए रूट थ्री निकालेंगे, ये इसकी और ए ओ ये आ गई, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे जीरो ए रूट थ्री। अब P से इस लाइन पहले इक्वेशन क्या निकाली उस ए सी, ए सी की इक्वेशन ये आ गई वाई बिल ये आ गई, और इससे इक्वेशन क्या आ जाएगी वाई बिल, इससे इससे इक्वेशन क्या आ गई ये आ गई। अच्छा अब इस पे एच किए थे, इस पे जो परपेंडिकुलर डालना और इस पे परपेंडिकुलर, इससे जो परपेंडिकुलर डालना तो क्या आ गया पी एम, इससे परपेंडिकुलर डालना तो पी एम, फिर पी एम का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर, क्या क्या पी एम का स्क्वायर गिवन है पी एम का स्क्वायर, क्या क्या पी एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब मान लो कॉन्स्टेंट कितना है ये लैम्डा है, ये अब इसको खोल लेंगे क्या ए प्लस बी का स्क्वायर जो आ गया, इसकी एस की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू के की वैल्यू क्या रख देंगे वाई रख देंगे, तो इस तरह जो है इसका जो है वो आएगा।
आगे बढ़े भाई। देखो भाई क्या है भाई, इफ क्वेश्चन है ये। देखो इफ एम आई वन अपॉन एम आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, आई इक्वल टू 1 2 3 4 एंड फोर, एम आई इक्वल टू 1 5 आर फोर डिफरेंट ओन सर्कल आर फोर डिस्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ आर सर्कल देन इफ एम आई डॉट एम आई ग्रेटर देन 0, आई इक्वल टू 1 2 3 4 आर द फोर कॉन्स्टेंट पॉइंट ऑफ द सर्कल देन थ्रू दैट ये देन फाइंड द वैल्यू, फाइंड वैल्यू M1 M2 M3 एंड M4 इसकी वैल्यू निकालनी है। एम आई आई आर द फोर्थ फोर फोर डिस्टिंग पॉइंट ऑफ ए सर्किल देन द फाइंड द वैल्यू M1 M2 M3 एंड 4 की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2xy प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ax² प्लस 3bx प्लस 2xy इक्वल टू 0। अब इस पे जो है कौन सा पॉइंट लाइक करता है, ऑन इट्स लाइन कौन सा पॉइंट लाइक करता है, एम ऑन वन पॉइंट एम इस पे लाइक करता है, कौन सा पॉइंट लाइक करता है एम कौन सा पॉइंट लाई करता है इसमें एम वन अपॉन एम इसके क्या करता है लाई, एम एक्स की जगह क्या लिख देंगे एम और वाई की जगह क्या लिख देंगे वन अपॉन एम, क्या जगह ये am² प्लस बी वन अपॉन एम का स्क्वायर 2gm 2fy वन अपॉन एम प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या गया am का स्क्वायर प्लस बी अपॉन एम का स्क्वायर 2gm 2f अपॉन एम प्लस सी इक्वल टू 0। एम स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर लिया मल्टीप्लिकेशन कर दिया, am की पावर 4 प्लस बी 2gm का क्यूब 2fm प्लस थ्री एम स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको ए क्या कर लिया इधर सी में लिख लिया am की पावर 4 2gm क्यूब प्लस 3m का स्क्वायर 2fm प्लस सी इक्वल टू 0, प्लस सी इक्वल टू 0।
और जब मैंने सर्किल कहा था ए इक्वल टू बी है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहते हैं। वन आ जाएगा यहाँ, क्या आ जाएगा ये वन। इसको अच्छा, ये फोर्थ रूट की क्वेश्चन है, ये क्या है, फोर्थ रूट की क्वेश्चन है ये। अगर इसके एम वन एम टू एम थ्री आर द डिस्टिंग ऑफ द सर्किल है, इसके पॉइंट नहीं है, एम वन एम टू एम थ्री एम फोर है, लेकिन है कि रूट है कि एम वन एम टू थ्री, तो क्या आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा एम वन, तो इक्वेशन है ये एम टू पावर फोर प्लस टू जी एम क्यूब प्लस थ्री एम का स्क्वायर प्लस टू एफ एम प्लस वन इक्वल टू थ्री। अब इसका जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा, क्या आएगा, रूट आ गए इसके एम वन एम थ्री एम वन एम टू एम थ्री एम फोर के आ गए, इसके रूट आ गए, क्या आ गए एम वन एम टू एम थ्री के आ गए थे रूट आ गए हो, तो क्या आएगा एम वन एम टू एम थ्री एम फोर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ जाएगा, ये कॉन्स्टेंट माइनस प्लस माइनस प्लस, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर क्या आएगा वन अपॉन इक्वल टू मींस एम वन एम टू एम थ्री फोर, देखो ईच एम आई डॉट एम कोमा वन अपॉन एम आई, एम आई इक्वल टू जीरो आर द फोर डिस्टिंक्ट रूट। अच्छा, इसकी इक्वेशन होता है करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो। अब इसका एम डॉट, अगर एम है या जो पॉइंट एम है तो ये वन अपॉन एम है, वन है के, तो इसकी इस पर लाइन कर जाएंगे, एम की वैल्यू एक्स की वैल्यू एम वाई की वैल्यू अपॉन एम लिख दी, इसकी जो है सोल्यूशन कर देंगे, तो आगे एम की पावर फोर टू जी एम थ्री टी एम टी एफ एम प्लस टी इक्वल टू जीरो है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी क्या आ जाएगा एफ वन प्लस एफ एफ एम वन प्लस क्या आ जाएगा वन, क्या आ जाएगा ये वन। अगर इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट ऑफ सर्किल ऑफ एन एक्सेस, इंटरसेप्ट ऑफ सर्किल ऑन एक्सेस, इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल ऑन एक्सेस, इंटरसेप्ट ऑन सर्किल ऑफ एक्सेस, देखो भाई ये कोई सर्कल है, ये कोई इंटरसेप्ट है, ये इसका सेंटर है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, सर्कल की डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये इसका ओरिजिन है, ये एक्स वेक्टर है, ये इसका वाई वेक्टर है, यहां तो बात समझ आ गई। अब आगे फिर से क्या है इसका, इसको इस इक्वेशन को सोल्व करना है टू रिस्पेक्ट विद एक्सेस, विद एक्सेस इस एक्सेस से क्या होता है वाई इक्वल टू जीरो,
वाई इक्वल टू जीरो आ जाता है आपसे फोर एक्स एक्सर फोर फोर एक्स एक्सर फोर एक्स एक्सर के ज्यादा वाई इक्वल टू जी क्या गए एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो सिमिलरली इसको जो है एक क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इसको सोल्व करते हैं धराचार्य से क्या होता है धराचार्य फॉर्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ये देखेगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए इसकी वैल्यू क्या आ गई इसकी वैल्यू अच्छी ये क्या आगे एक्स इक्वल टू माइनस टू जी प्लस माइनस बी स्क्वायर टू जी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए क्या माइनस टू जी प्लस माइनस फोर जी का स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन टू तो क्या क्या माइनस टू जी प्लस माइनस टू जी स्क्वायर माइनस सी अपॉन टू इस टू से टू जाएगा क्या आएगा ये माइनस जी प्लस माइनस जी स्क्वायर माइनस सी अपॉन टू जाएगा माइनस जी प्लस माइनस जी स्क्वायर माइनस टू सी अच्छा ये ए बी क्या आ जाएगा इंटरसेप्ट ऑन ए बी इंटरसेप्ट ऑन ए बी क्या जाएगा ये मान ले ओ है ये बी है ये बी है इंटरसेप्ट ऑन ओ बी इंटरसेप्ट ऑन ओ बी ए बी क्या जाएगा ए बी इसमें से इन दोनों का डिफरेंस ये क्या आ गया फ्रंट क्या आ गया माइनस बी प्लस एस स्क्वायर माइनस टी ए क्या आ गया माइनस जी माइनस एस स्क्वायर माइनस टी अपॉन ये आ गया इस टू से तो टू जाएगा ये भी टू कट जाएगा इस टू से ये फोर बार आ गया यूसी इंटरसेप्ट ऑफ ए बी क्या आएगा ए बी में क्या आएगा अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस निकाल लूं इन दोनों का इंटरसेप्ट ऑफ ए बी आएगा क्या आएगा इंटरसेप्ट ऑफ ए बी इंटरसेप्ट ऑफ ए बी क्या आएगा इंटरसेप्ट ऑफ ए बी इंटरसेप्ट ऑफ ए बी इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा तो क्या आएगा ये माइनस जी प्लस एस स्क्वायर माइनस सी माइनस माइनस जी माइनस एस स्क्वायर माइनस सी माइनस माइनस से प्लस आ गया टू एस स्क्वायर माइनस सी ये लगा इंटरसेप्ट ऑफ ए बी इंटरसेप्ट ऑफ ए बी अब इसी तरह सिमिलरली हो इंटरसेप्ट ऑफ ए बी क्या टू एस स्क्वायर माइनस टू एस स्क्वायर माइनस इंटरसेप्ट ऑफ ई क्या टू एस स्क्वायर माइनस सी आ गया अब सिमिलरली इंटरसेप्ट ऑफ वाई फोर वाई एक्सन फोर वाई एक्सन फोर वाई एक्सन क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू जीरो x इज इक्वल टू जीरो सिमिलरली उसके लिए कि जब y इक्वल टू जीरो रखूंगा तो क्या जाएगा ये y स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी ये टू जी स्क्वायर माइनस सी इसके लिए क्या आ जाएगी सिमिलरली टू जी स्क्वायर माइनस सी
टू जी स्क्वायर माइनस थ्री, तो ए बी के लिए क्या है टू एस स्क्वायर माइनस सी फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर माइनस सी। इसका मतलब क्या आ गया, इंटरसेप्ट फोर एक्स क्या आ गया, अगर ये अगर ये इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी, ये अगर इक्वेशन हो तो क्या आ जाती है इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आ जाती है, इंटरसेप्ट लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट या कहेंगे लेंथ लेंथ ऑन द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एक्स अक्ष इज टू जी स्क्वायर माइनस टू जी स्क्वायर टू जी स्क्वायर माइनस थ्री आ जाता है टू जी स्क्वायर माइनस के थ्री। अब लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन वाई अक्ष इज टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एक्स अक्ष इज ये देख लेना अगर एफ की जगह जी जी की जगह आप लिखते भरे तो भी आपने गलती लिख कर एफ जी आएगा क्या आगे, क्योंकि इसमें तो वाई भी हो जाएगा ना, देख लेना यार प्लीज ये जैसे गलती हो गई है, और क्योंकि एक्स एक्स पे वाई तो जीरो आ जाएगा ना, ये आ नहीं सकता तो जी बचेगा टू इंटू जी स्क्वायर माइनस थ्री लेफ्ट इंटू इंटरसेप्ट ऑफ द एक्स अक्षर एक्स टू जी स्क्वायर माइनस थ्री लेफ्ट इंटर वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस सी, हम इसी के जो है इंटरसेप्ट फॉर्म जो है इसी की तरह के जो है निकाल सकते हैं। ठीक इक्वेशन ऑफ जैसे अगर मान ली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन, तो इनका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा टू जी स्क्वायर माइनस थ्री, एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा इंटरसेप्ट ये आ जाएगा और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा इंटरसेप्ट टू एफ स्क्वायर माइनस थ्री, इसकी इसमें वैल्यू लिख देंगे जी और एफ की, यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी आ गई, इसका जी और एफ की वैल्यू कितनी आ गई जी और एफ, जी और एफ की वैल्यू कितनी आ गई जी इक्वल टू कितना आ गया फाइव, जी की वैल्यू क्या आ गई फाइव एक्स और एफ की वैल्यू कितनी आ गई माइनस सिक्स, एफ की वैल्यू कितनी आ गई थ्री, जी इक्वल टू फाइव एफ इक्वल टू माइनस थ्री, इसका हाफ टू एच एक्स वाई टू एच एक्स होता है ना, इसका हाफ अपॉन ही इक्वल टू नाइन, ही इक्वल टू क्या आ गया नाइन, ये है ना वो इक्वेशन होती है ये एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, इसमें से इसकी वैल्यू निकाल के एक्स एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म इंटरसेप्ट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है आज के लिए इतना ही, कोई प्रॉब्लम हो उसको देखना, आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक यही कंटिन्यू करेंगे हम सर्कल। ठीक है थैंक्स फॉर ऑल बेस्ट ऑफ।